चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 18, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं बच्चों मैं, पिछले वाले के हमने क्योंकि डाउट्स थे इसलिए रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं करी थी, अब रिकॉर्डिंग ऑन करने जा रहा हूं मैं। वैसे बच्चों मैं एक चीज बड़ी हैरानी वाली मैं देख रहा हूं, जो YouTube पे जो मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं जोन सी भी, ना तो आप सबने उस चैनल को प्रॉपरली पूरे बच्चों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, मुश्किल से 7 या 8 स्टूडेंट ने सब्सक्राइब कर रखे। और दूसरी चीज, आप वीडियो देखने के बाद भी आप YouTube पे, आपको पता है कि सारी वीडियोस आपकी आपके लिए मैंने पब्लिक डाल रखी है, लेकिन कोई भी टीचर पब्लिक नहीं डालता। सिर्फ मैंने पब्लिक इसलिए डाल रखा है कि किसी बच्चे को दोबारा वीडियो देखनी भी हो तो उसको कोई दिक्कत ना आए। पब्लिक डालने के बाद भी उस पे दो ऑप्शन होते हैं, एक लाइक का एक डिसलाइक का, लेकिन आप ये लाइक का बटन भी नहीं दबाते। मतलब इतना तो होना चाहिए कि जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, ऐसा मैंने सुना था कि जिससे हम कुछ भी सीखते हैं छोटा हो या बड़ा हो उसको हम एक गुरु का दर्जा दे देते हैं। गुरु का मतलब टीचर, टीचर का मतलब कि वो रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाता है। आप ये ना सोचिए, कई बच्चों के मन में होता है कि पैसे दे रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। बेटा पैसे तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि हाँ भाई आपके द्वारा किसी को फायदा मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन खाली हम पैसों के बेस पे ये चीजें नहीं करते। ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो पैसों से कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। और खास तौर मुझे, मैं ये मानता हूं कि मैं अगर अपनी सारी सर्विसेज फ्री में बांट सकूं तो मेरा अपना सौभाग्य समझूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई बच्चे कुछ बन के निकले हैं। और अगर मैं अपना 13 साल का आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने पता नहीं कितने बच्चों को नील फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जूते पॉलिश वाले के बच्चे को पढ़ाया हुआ है, रेडी वालों के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, पुल के नीचे रहने वालों को शाम को 7 से 9 में पढ़ाया हुआ है। तो मैं उनसे जाके कोई पैसे थोड़ी ले लूंगा, तो मेरे लिए पैसे तो सेकेंडरी है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आज के टाइम में अगर हम कोई भी फी एक्स वाई जेड नहीं ले रहे तो उस चीज की वैल्यू नहीं रह जाती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आप अपने सर के लिए, उनसे जिनसे सब कुछ सीख रहे हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब करना तो एक बहुत छोटी सी बात है। पहली बारी मैं लाइफ में कह रहा हूं, वो भी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कल ऐसा महसूस किया कि इतने तो व्यूज मतलब सब्सक्राइबर्स मेरे बैच स्टार्ट करने से पहले थे और आज सब्सक्राइबर सिर्फ इतने ही बड़े हैं। नंबरिंग से कोई मैटर नहीं करता वैसे, लेकिन हर बच्चा अगर उसको सब्सक्राइब करेगा तो एक तो मेरे को भी खुशी होगी कि ये बच्चे मेरे से इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, दूसरा आपके पास सीधा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर मैं कभी आपके लिए एक वीडियो भी डालूंगा आपके, जब आप क्लासेस में नहीं भी आ रहे होंगे, तो आपके फायदे के लिए ही वो वीडियोस होंगी। तो नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए उसको सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी वीडियो आप देखें उसको लाइक जरूर कर दें, जिससे ये पता चले कि हाँ भाई इस वीडियो को आप सबने पसंद किया है। कुछ बच्चे वैसे ऐसे भी होंगे जो डिसलाइक भी दबा देंगे, कई होते हैं, हर कैटेगरी होती है। खैर 24th में, अब मैं रोहन इस वाले चैप्टर में उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि शीट मेरी चेंज हो चुकी है। तो अब सबसे पहले हम जो चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर की वेटेज सेम है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन कोरिलेशन रिग्रेशन से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और थ्योरी के क्वेश्चन वैसे तो दो हैं ही हैं, लेकिन कई बारी ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर भी आप ये मान के चलिए कि जो कोरिलेशन रिग्रेशन है इसमें 2-3 वेटेज जो है वो थ्योरी की है जैसे हर बारी है, लेकिन यहाँ पे 4-6 भी हो सकते हैं। मतलब यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया, यहां से 6 भी आ सकते हैं। तो कोरिलेशन रिग्रेशन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देने का मतलब है कि इसका जो सेट बी होगा उसको थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हर कीमत पे आएंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर बारी आते ही आते हैं जो सिर्फ कोफिशिएंट और कोरिलेशन के ऊपर होते हैं।
उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स है वो तो बाद की बात है, लेकिन इसी टॉपिक के ऊपर कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट में मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए, जो चैट में आप ये सवाल पूछ रहे हैं इनका मैं आंसर आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। ये रोहन के क्वेश्चंस पढ़ के मुझे लगता है मेरे को चैट को ऑफ ही करना पड़ेगा कि आप मैसेज ही ना कर पाए। बेटा क्लास को ऑफ नहीं करा, क्लास में मैं रिकॉर्डिंग मोड दबाने जा रहा था, क्लास ऑफ हो गई। संतुलन में रह के यहाँ क्वेश्चन लिखा कीजिए, पता चले आप चैट लिख ही नहीं पा रहे, मैं सिर्फ व्हाट्सएप ऑन करके छोड़ दूं आप सबके लिए। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बेसिकली आपने ये चैप्टर सबने जिन्होंने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप सब, तो इकोनॉमिक्स में आपने कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में बेसिक डिटेल्स सब बच्चों ने पढ़ रखी हैं, लेकिन आज हमने उन बेसिक डिटेल्स के ऊपर थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पार्ट के अंदर कि कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन के अंदर क्या क्या टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर टाइप्स क्या क्या होंगे, कोफिशियंट क्या क्या होंगे, उसकी बेसिक डिटेल्स क्या होंगी, उसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या होगा, वो सारा हमने आज इस चैप्टर नंबर 18 में पढ़ना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास चैप्टर नंबर 18 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 18 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, सबसे पहला हमारा जो बेसिक टॉपिक है उसका नाम आता है बाय वेरिएट डेटा। थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क का आ जाता है बाय वेरिएट डेटा का, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अदरवाइज क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका कभी नहीं आया हमारे सीए में, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है इसलिए हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो थ्योरी आती है तो थ्योरी तो ऑब्वियसली बात है समझनी पड़ेगी ना। तो बायवेरिएट डेटा क्या होता है, व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ। अब इसमें सिर्फ 2 शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, पहला शब्द की डिस्क्रीट, दूसरा शब्द साइमल्टेनियसली। चलो साइमल्टेनियसली तो आपको समझ आ गया कि एक साथ ही आपने दोनों लेने हैं, लेकिन अब यहां पे पर्टिकुलरली इन्होंने डिस्क्रीट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। अब देखो बच्चों, डिस्क्रीट का मतलब होता है काउंटेबल। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 टर्म्स हैं, मैं आपको कह दूं कि पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर की पंखुड़ियां, क्या आप उसको इजिली काउंट कर सकते हो। आपको मैं गुलाब का फूल दे दूं और आपको कहा जाए कि इसकी जो पंखुड़ियां उसको काउंट कीजिए, तो आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, वो 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि हाइट ऑफ अ स्टूडेंट के लिए मैं कहूं कि एक बच्चे की हाइट 5 फीट और 6 फीट के बीच में है, क्या वो हाइट ऑफ अ स्टूडेंट उसकी एक जगह पे फिक्स हो जाएगी, वो कंटिन्यूअस है, वो 5 फुट 1 इंच भी हो सकती है, 5 फुट 2 इंच भी हो सकती है, 5 फुट 3 इंच भी हो सकती है, 5 फुट 3.5 इंच भी हो सकती है, 5 फुट 4 इंच भी हो सकती है, तो वो एक तरह से फिक्स नहीं है। और अगर वो फिक्स नहीं है तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो हमारा शब्द यहां पे ध्यान से देखिए कि हमने जो शब्द लिखा है वो क्या लिखा है, डिस्क्रीट। तो व्हेन डाटा आर कनेक्टेड ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों का डाटा आपने लेना है, तो ऐसे डाटा कलेक्शन को क्या कहा जाता है, बाय वेरिएट डाटा। अब इसी के साथ लिंक है एक चीज, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, सच आर डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ बायवेरिएट डाटा उसको कहा जाता है बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियस ही बात है, जब हमने कलेक्शन करा वो बायवेरिएट डाटा का कलेक्शन था, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या कहा जाएगा, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से बनने वाला, ऐसे बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से बनने वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या कहलाएगा, बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस आपने उनकी फ्रीक्वेंसी साथ में निकाल देनी है। और बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ये बायवेरिएट डाटा है, इसमें ना दो टाइप्स आते हैं। एक को हम कहते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक को हम कहते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन दोनों को अलग अलग समझेंगे बच्चों। पहले हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर हम, मैं थ्योरी प्रॉपर लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अगर हम इसे सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में से, अगर हम एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से, जहां हम सारे टोटल एग्रीगेट सिर्फ कोई भी एक वेरिएबल को कंसीडर करें, चाहे वो हम, मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक हाइट है और एक किसी का वेट है। हाइट ऑब्वियस सी बात है हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, वेट हम केजी में ले लेते हैं। आपने दोनों दो वेरिएबल्स कंसीडर कर लिए, एक हाइट और एक वेट, एक सेंटीमीटर एक केजी में। लेकिन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि आपने उसमें से सिर्फ एक वेरिएबल को ही कंसीडर कर लिया, चाहे आप हाइट वाले को कंसीडर कर लीजिए, चाहे आप वेट वाले को कंसीडर कर लीजिए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाएगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है इसके साथ। अब क्वेश्चन आता है कि एक समय में कितने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन लिए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो एक टाइम पे लिए जा सकते हैं वो है 2। आपका स्टडी मैट का और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट का, कि टोटल मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने आ सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के साथ। तो टोटल उसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन आती है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, अगर हम एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, जैसे हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में बना रहे थे, बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से, जहां हम एक वेरिएबल को रिलेट कर रहे हैं एक क्लास इंटरवल से, किसके साथ, दूसरे के साथ। उसमें क्या था, उसमें हम एक ही को ले रहे हैं मार्जिनल में,
या तो हम हाइट को ले रहे हैं या हम वेट को ले रहे हैं, इसमें हम रिलेट कर रहे हैं, हाइट को रिलेट करेंगे वेट के साथ या वेट को रिलेट करेंगे हाइट के साथ। लेकिन इसके अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि दो वेरिएबल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस कितने बन सकते हैं। अब यहां पे बच्चों इसका आंसर अलग होता है, इसका आंसर हर क्वेश्चन में बदल जाएगा। इसका बेसिक आंसर है R प्लस जी। अब ये R प्लस जी क्या है, यहां पे R है जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी और जी है जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो आपके क्वेश्चन में जितनी रोज और जितने कॉलम्स होंगे उनका जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस का। एक सेकंड बच्चों, मेरी लस्सी के ऊपर 13-14 कीड़ियां आई पड़ी हैं, अंदर तो नहीं घुस गई कहीं नहीं। ओ तेरी मेरी शर्ट पे ही छोड़ दी। इनको कैसे पता अंदर लस्सी है। अभी मैंने दोनों समझाए नहीं, वैसे देव, अंशिका, रोहित, अभी तीन दोनों समझाने हैं मैंने। अभी सिर्फ मैंने इसकी डेफिनेशन की हिंदी बोली और कुछ नहीं बोला। आइए समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊं, तो उसके लिए मेरे को बुक खोलनी पड़ेगी। तो बुक है मेरे पास यहाँ पे इधर। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस शीट को थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा यहां तक। ठीक है, अब बच्चों देखो आपके पास बुक तो सबके पास है ही है, हम एक एग्जाम्पल बुक के अंदर है, एग्जाम्पल नंबर 18.1 क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। हमारे लिए बनाने के लिए तो आना नहीं है सीए फाउंडेशन में, तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल समझना है। इसमें क्या दे रखा है, एक डाटा दे रखा है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली बात है स्टैटिस्टिक्स पहले लिखा है, तो जो आप 15-13 देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब जो 15 है वो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स है और 13 है वो मैथमेटिक्स के मार्क्स है। तो उसने कुछ ब्योरा दे दिया हमें 15-13 से करते 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 उसने लास्ट हमें दिया ये यहां तक 1040। अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो मार्क्स किसी के आए हुए हैं
वो मैं देख पा रहा हूं यहां पे, ये 19 है, ठीक है। और सबसे कम जो मैं देख पा रहा हूं सबसे कम जो मार्क्स किसी के आए हुए हैं वो हैं 1। तो हमें क्या करना है, इसका बाइवेरिएट बनाना है, मतलब हमें क्या इंटरवल्स बनाने हैं, और इंटरवल्स ऐसे लेने हैं कि वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन के होने चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन में भी लिखा गया लेकिन हमें वैसे भी ऐसे ही बनाने। तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 19 है। ये बनाने कैसे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे हम इस पे आ जाते हैं जो हमारे काम की चीज है। ये देखो, ये इन्होंने एक टेबल बना लिया। टेबल में आप क्या देख पा रहे हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मार्क्स इन मैथ्स, और लेफ्ट हैंड साइड कॉलम वाली तरफ में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, और ऊपर रेंज बना दी 0 से 4 वाले कितने हैं। इसमें क्या है, 0 कंसीडर्ड है, 4 कंसीडर नहीं है, 4 कंसीडर है, 8 कंसीडर नहीं है। मतलब 4 का मतलब है 4, 5, 6, 7 कंसीडर है, 8 नहीं है। आपको पता होगा लोअर लिमिट कंसीडर होती है, अपर लिमिट नहीं होती है। 8 कंसीडर है, 8 से 11 तक है, 12 नहीं है, 12 से 15 तक है, 16 नहीं है, 16 से 19 तक है, 20 नहीं है। तो यहां इन्होंने सारे ये दे दिए मैथ्स के बच्चे, टैली मार्क्स बना दिया। चलो हमारा जो काम है पहले वो समझ लेते हैं। ये जो टेबल आपने इन्होंने बनाया है बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इन्होंने 2 वेरिएबल्स के लिए बना लिया। 2 वेरिएबल्स का मतलब एक ले लिया मार्क्स इन मैथ्स, एक ले लिया मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। दोनों काउंटेबल हैं इसलिए डिस्क्रीट कहा गया इन्हें। अब आ जाओ नीचे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो बच्चे पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है, इन्होंने क्या करा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स बना लिया। ये ऐसे भी बना सकते थे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथ्स, सेम ऐसे भी बना सकते थे, या सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के बनाएंगे या सिर्फ मैथ्स के बनाएंगे। अब बनाया कैसे इन्होंने, ये बॉक्स है 0 से 4 लेके 16 से 20, तो ये बॉक्स यहां पे आ गया, ये रहा, ठीक है। अब इस कितने कितने बच्चों के 0 से 4 के बीच में मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के 4 से 8 के बीच में आए हैं, ये सारा डाटा यहां से उठा लो, ये इधर से 0 से 4 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 4, 4 से 8 वाले 12, 8 से 12 वाले 14, 12 से 16 वाले 11, 16 से 20 वाले 9, और जो टोटल है वो कितना बन रहा है, 50। तो ये उन्होंने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स में बना लिया, 4, 12, 14, 11, 9, टोटल कितने हो गए, 50। ऐसे ही हम मैथ्स का भी बना सकते थे, लेकिन बस मैथ्स में क्या फर्क आता, मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो ये रहे, ये नीचे 3 बच्चे 0 से 4 वाले हैं, 8 बच्चे 4 से 8 वाले हैं, 15 बच्चे 8 से 12 वाले हैं, 14 बच्चे 12 से 16 वाले, और 10 बच्चे 16 से 20 वाले हैं। ये तो हमारा टॉपिक हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। अब बच्चों कितने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया आपने, आपने एक बनाया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, और एक बनाया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथ्स। तो टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया आपने, 2। तो आप सामने स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2। अब बारी आती है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों उन्होंने कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी, कि सिर्फ आपने वो लेने हैं बच्चे जिनके मार्क्स 8 से 12 में आए हैं, लेकिन किसके लिए, सबके लिए, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8 से 12 वाली रेंज के। तो 8 से 12 वाली रेंज में चलते हैं, 8 से 12
ये रही हमारी 8 से 12 वाली। अब बच्चों दो चीजें हो सकती हैं, वो 8 से 12 की रेंज यहां से ले सकता है या वो 8 से 12 की रेंज यहां से ले सकते हैं। अब उसने कंडीशन किसकी लगाई है, उसने लगाई है कंडीशन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं, लेकिन कंडीशन है कि मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो 8 से 12 के बीच में होने चाहिए। मैथमेटिक्स के मार्क्स 8 से 12 के बीच में होने चाहिए, तो ये वाली हमें लेनी है बच्चों, मैथमेटिक्स के मार्क्स 8 से 12 के बीच में, उसकी सारी लिस्ट लेनी है। लेकिन बच्चे कौन से लेने हैं जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, तो हम कौन से लेंगे 2, 5, 4, 3, 1, टोटल कितने बच्चे हो गए 15 बच्चे। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 2, 5, 4, 3, 1 और टोटल बच्चे हमारे कितने हो गए 15। जरूरी नहीं बच्चों वो ये कंडीशन लगा सकता है, वो हर किसी के लिए कंडीशन लगा सकता है। अब आप ये बताओगे मेरे को कितनी कंडीशनें लगा सकता है वो, देखो वो कंडीशन लगा सकता है पहली कंडीशन लगा सकता है 0 से 4 मार्क्स मैथ्स वाली, दूसरी कंडीशन लगा सकता है 4 से 8 वाली, तीसरी लगा सकता है 8 से 12 वाली, चौथी लगा सकता है 12 से 16 वाली, पांचवी लगा सकता है 16 से 20 वाली। छठी 0 से 4 स्टैट वाली, सातवीं 4 से 8 स्टैट वाली, आठवीं 9वीं और 10वीं। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कितने आ जाएंगे बच्चों, 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं। आप ये सामने पढ़ रहे हैं ना स्क्रीन पे, टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होंगी, R+G, R का मतलब है रोज। तो हमारे पास यहां पे रोज कितनी थी, हमारे पास रोज थी, पहले कॉलम्स देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, और सिमिलरली हमारे पास रोज कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल मार्जिनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल आ जाएगी, 5 + 5, वो किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। वो देखो डिंकी कह रही है ये वाला एग्जांपल सर दोबारा बता दो, वो आ जाएगा डिंकी ये चीज शुरू में कह देते आप बच्चों। वैसे मैंने जो चीज आपको समझाई है इसमें सिर्फ लो रिकॉर्डिंग में डिंकी का नाम ले लिया, चलो बाकी बच्चों को भी पता चलेगा फिर, डिंकी भोला जिंदाबाद। हमने बच्चों यहां से दो चीजें सीखी, पहली चीज तो हमने ये सीखी कि हमें जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट डाटा में कितने बन सकते हैं, सिर्फ 2 बन सकते हैं, वो 2 से ज्यादा बन ही नहीं सकते। टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, उसको तो हटा ही दो। लेकिन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितनी आपने रोज बनाई है और जितने आपने कॉलम्स बनाए हैं उनका टोटल करना है। आपने कितनी रोज बनाई है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन करा 0 से 4, डिंकी कह रही है 18.3 टेबल, 18.3 टेबल, चलो 18.3 टेबल क्या कहता है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स हमें ये निकालने हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स निकालने। कंडीशन क्या है कि उनके जो मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं वो 8 से 12 के बीच में होने चाहिए। तो निकालने तो स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के आपके टेबल थे 0 से 4 से लेकर
जीरो से फोर से लेकर और 16 से 20 तक। लेकिन अब आपको कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, जब उनके मार्क्स मैथ्स में 8 से 12 होंगे, तो मैथ्स में 8 से 12, तो ये रहा आपका मैथ्स वाला कॉलम 8 से 12। और टेबल किसके लिए बनाने है आपने, स्टैटिस्टिक्स वाला टेबल बनाना है, लंबा टेबल बनाना है मतलब आपने। तो कौन कौन से हैं जो 8 से 12 वाले हैं, ये आपके स्क्रीन पे सारे आ गए, तो वो है 2 0 से 4 वाले, 5 4 3 1 और टोटल इसके नीचे दे रखा है 15। तो ये आपने एक टेबल बनाया, लेकिन ऐसे आप कितने टेबल बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो आपने बना दिए जब मैथ्स की कंडीशन थी स्टैट का टेबल था, वाइसा वर्सा 1 2 3 4 5 मैथ्स की टेबल स्टैट की कंडीशन, तो टोटल कितने बन गए हमारे पास टेबल उसके अंदर, 5 बन गए मैथ्स के लिए, 5 बन गए स्टैट के लिए। तो यहां पे तो 5 क्वेश्चन में बने थे ना, हो सकता है वो ऊपर 4 बनाता नीचे 5 बनाता, हो सकता है वो ऊपर 6 बनाता नीचे 4 बनाता, ये आपको नहीं बताना और ना ही आपको पेपर में टेबल बनाने के लिए आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनेंगे। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दे रखे होंगे उनको जस्ट आपने ऐड कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिक्सटीन से ट्वेंटी वाला पूछा होता तो 16 से 20 वाले में है 1153, तो उसमें क्या कह रहे हैं, तो 0 से 4, हाँ बेटा 0 ही है तो 0 ही आएगा ना, जब वहां दे ही नहीं रखा, कोई बच्चा ही नहीं है उस लिस्ट के अंदर, तो 0 ही आएगा वो तो। चलिए इस वाले को भी यहां से हटाना है और आगे कंटिन्यू करना है। अब बच्चों हमारे इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक जिसका नाम है श्रुति, क्या पूछ रही है अब सर, जो ये 25431 है, 25431 है, ठीक है, ये मैथ्स के मार्क्स हैं बच्चों, ये मैथ्स के मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 और 4 के बीच में स्टैट में आए हैं और 8 से 12 के बीच में मैथ्स में आए हैं, ये मार्क्स नहीं दे रखे, कितने बच्चों के मार्क्स 0 से 4 के बीच में और 8 से 12 के बीच में आए, ये वो वाली काउंटिंग है। और हमारी कंडीशन क्या है कि मैथ्स का सिर्फ वो वाला कॉलम लो, कंडीशन है कि जिनके मार्क्स 8 से 12 के बीच में आए हैं, लेकिन टेबल किसका बनाना है, स्टैट का, तो टेबल स्टैट का, कंडीशन मैथ्स की, उल्टा भी हो सकता है, टेबल मैथ्स का, कंडीशन स्टैट की, ये तो एक एग्जांपल है जस्ट हमारा समझने के लिए। ये मैथ्स के सिर्फ उस टेबल के बच्चे हैं जिसके मार्क्स 8 से 12 के बीच में है, लेकिन टेबल किसका है, स्टैटिस्टिक्स का टेबल है। आप सारा थोड़ी ले रहे हो, आप सामने देखो आप कौन सा ले रहे हो, सिर्फ 8 से 12 वाला मैथ्स के सारे बच्चे थोड़ी आप कंसीडर कर रहे हो, आपने 0 से 4 वाले मैथ्स के थोड़ी लिए, आपने 4 से 8 वाले मैथ्स के थोड़ी लिए, आपने 12 से 16 वाले मैथ्स के थोड़ी लिए, आपने 16 से 20 वाले मैथ्स के थोड़ी लिए, आपने मैथ्स के सिर्फ वो बच्चे लिए हैं जो 8 से 12 के बीच में थे, बाकी कोई भी बच्चे आपने नहीं लिए। टोटल तो हमारे 50 बच्चे हैं, लेकिन आपने लिए कितने हैं, सिर्फ आपने लिए सिर्फ 15 बच्चे, तो पूरे बच्चे तो आ ही नहीं सकते, तो सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ मैथ्स के मार्क्स जिनके 8 से 12 के बीच में थे। चलिए, सो वी कम टू द मेन टॉपिक नेम्ड बाय कोरिलेशन, जिसके नाम से हमारा चैप्टर है और जो हमारा मेन टॉपिक है।
श्रुति कंडीशन है, मैं बुक वालों को मार तो नहीं सकता ना बेटा, बुक वालों ने कंडीशन दी है। अब इंग्लिश है, इंग्लिश तो समझनी सीखनी पड़ेगी ना बच्चों। कंडीशन क्या है इसके अंदर, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स इन हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन 8 to 12। कंडीशन को पहले पढ़ो ना बच्चों आप। कंडीशनल सिर्फ हमें किसके लिए चाहिए, स्टैटिस्टिक का टेबल चाहिए, लेकिन मैथ्स की कंडीशन क्या है कि उनके मार्क्स 8 से 12 के बीच में होने चाहिए। तो टेबल तो हमने बना लिया स्टैटिस्टिक्स वाला जो हमने बनाया था ये पूरा, लेकिन बच्चे हमने सिर्फ कौन से टेबल के उठाने हैं, बच्चे तो हर टेबल में पड़े हुए हैं, लेकिन हमने बच्चे सिर्फ कौन से टेबल के उठाने हैं जिनके मैथ्स में मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 8 to 12 के बीच में होंगे, वो बच्चे हमने कंसीडर करने हैं। कंडीशन है बच्चों, कंडीशन है श्रुति ये कि जिन बच्चों के मार्क्स 8 से 12 के बीच में है सिर्फ वही बच्चे कंसीडर करने हैं हमने। 8 से 12 वाला जो टेबल था हमारा, ये है हमारे मार्क्स इन मैथ्स 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 टोटल। ये स्टैट का टेबल है, ये मैथ्स का टेबल है। अब कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स मैथ में 0 से 4 के बीच में है और स्टैट में 0 से 4 के बीच में, तो उसका टैली मार्क्स है 1, 1, 1, मतलब 3 ऐसे बच्चे यहां का टोटल इधर आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। इसमें आगे 1, 4, 2, 1 ये हो गया 8, 2, 5, 4, 3, 1 ये 15 हो गया। इधर कोई भी नहीं है, 1, 6, 2, 5, 14 हो गया। इसके बाद है 1, 1, 5, 3 ये 10 हो गया। टोटल बच्चे हो गए 4, 12, 14, 11, 9। दोनों तरफ से जब आप टोटल करोगे तो बच्चे हमारे 50 आ जाएंगे। श्रुति कंडीशन मैथ्स की है ना बच्चों, उसमें कंडीशन है कि कंडीशन में आपको टेबल जो बनाना है वो स्टैट का बनाना है, टेबल जो है वो स्टैट का बनाना है, ये रहा स्टैट का टेबल। लेकिन स्टैट के कितने सारे टेबल हैं, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5। टेबल स्टैट के हैं ये 5 तरह के टेबल है, लेकिन उसने कौन सा टेबल पूछा है, सिर्फ वो टेबल बताओ जब मैथ्स में उसके मार्क्स 8 से 12 वाली लिस्ट के अंदर से हो। तो आपने स्टैट का टेबल उठाया, ये 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और मैथ्स का जो 8 से 12 वाला था स्लॉट सिर्फ उसके बच्चे ले लिए 2, 5, 4, 3, 1। तो ये एक कंडीशनल टेबल का आपका आंसर आ गया। आप दूसरे बना सकते थे, ये फर्स्ट टेबल, ये सेकंड टेबल, ये थर्ड टेबल, ये फोर्थ टेबल, ये फिफ्थ टेबल। आप वाइसा वर्सा यहां से भी बना सकते थे, ये फर्स्ट टेबल, मतलब फर्स्ट नहीं, इसको कहेंगे सिक्स्थ टेबल, ये सिक्स्थ टेबल हो गया, ये सेवेंथ टेबल हो गया, ये एट्थ टेबल हो गया, ये नाइन्थ टेबल हो गया, ये 10th टेबल हो गया। तो ये हमारी 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल बन सकते हैं। जितने हमारे कॉलम्स और रोज बने हुए हैं हर किसी का एक एक टेबल हमारा बीच में बनाया जा सकता है। ठीक है श्रुति,
छोटे से टॉपिक को आप वास्ट बना रहे हैं, जस्ट सिर्फ इतना समझना है जितनी रोज और जितने कॉलम्स हैं दोनों का टोटल करना है, उतने हमारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे। जे बात, रोहित ने बिल्कुल सही बात बोली, जब ये टॉपिक थ्योरी का था तो इतनी जरूरत क्या थी, लेकिन रोहित ये समझाना जरूरी था कि बच्चा कहे कि वो रो और कॉलम को ऐड करके ही क्यों उसकी कंडीशंस बनी, तो इसलिए समझाना जरूरी था, और ना समझाता तो कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर इस टॉपिक का जो इस्तेमाल होना है उसके बारे में बच्चे को ना पता चलता। हमें सिर्फ इसके बारे में इतना समझना है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ दो होंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का टोटल होगा। चलिए कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक नेम्ड बाय कोरिलेशन। और हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट एंड मेन टॉपिक को रिलेशन। तो सबसे पहले तो बच्चों उसकी जब तक हम डेफिनेशन नहीं समझेंगे, वैसे तो हमें इसकी कैलकुलेटिव पार्ट की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें डेफिनेशन इसकी समझनी पड़ेगी। तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा देता हूं इसको। वाइल स्टडिंग टू वेरिएबल्स, ऑब्वियस ही बात है हम हर जगह दो वेरिएबल्स के बारे में ही यहां पर बात करेंगे। At the same time, अगर ये पाया गया, it is found that the change in one variable leads to the change in अनदर वेरिएबल, चाहे वो सीधा सीधा चेंज हो रहा हो और चाहे वो इनवर्सली चेंज हो रहा हो, देन द टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी एसोसिएटेड या कोरिलेटेड। दोनों का मतलब एक ही है, एसोसिएटेड कहूं या कोरिलेटेड कहूं, लेकिन कोरिलेटेड हमारा स्टेटिस्टिक्स का वर्ड है, एसोसिएटेड मतलब दो का आपस में लिंक होना। बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, आपका सीधा सा एग्जाम्पल स्पीड और डिस्टेंस का। आप सब जानते हैं स्पीड बढ़ती है, डिस्टेंस जो है वो अपने आप थोड़ा सा आपको लगने लगता है कि कम हो गया, वो टाइम कम हो रहा होता है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो रहा होता, डिस्टेंस हमारा सेम ही रहता है चाहे स्पीड आप बढ़ाएं या स्पीड आप घटाएं। लेकिन स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशनशिप आप बड़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब हो क्या सकता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही हो, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही हो, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज को कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो। अब मैं बढ़ने की बात करूं तो मैं घटने की भी कर सकता हूं, एक के घटने से दूसरी चीज घट रही हो, एक के घटने से दूसरी चीज बढ़ रही हो, या एक के घटने से किसी भी चीज को कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो। बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों को समझने के लिए मैं तीन शब्द आपको लिखवाना चाहूंगा पहले, जिसमें पहला शब्द है और उसका नाम है पॉजिटिव कोरिलेशन। हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसा हमारा स्टैटिस्टिक्स में यूज होना होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? अगर वो दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों बढ़ रहे हों या दोनों घट रहे हों, कोई भी हो,
जैसे आप ये मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इकोनॉमिक्स के एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। वाह जी वाह, देव ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, प्राइस और डिमांड। वैसे प्राइस और डिमांड की जगह हम प्राइस और सप्लाई कह सकते हैं कि सप्लाई प्राइस, जब सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस अपने आप बढ़ने लग जाता है, या जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम ये कह देते हैं ऑब्वियस सी बात है सप्लाई बढ़ रही होगी तभी उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। डिमांड में कई बार ये होता है कि जब उसका डिमांड बढ़ने लग जाती है तो ऑटोमेटिकली दो चीजें हो सकती हैं, वहां पे पॉजिटिव भी जा सकते हैं नेगेटिव भी जा सकते हैं, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन हमने ये प्राइस डिमांड, प्राइस सप्लाई, इन एग्जांपल्स की जगह हमने इसको ग्राफ से समझना है। ग्राफ अगर समझ आ गया तो ये सारे कोरिलेशन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो पहले मैं इनकी डेफिनेशंस लिखवा दूं आपको। नेगेटिव कोरिलेशन, अगर दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है पहला घट रहा है, एंड लास्ट कि दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं, आपकी हाइट बढ़ना और आप इंटेलिजेंट हो जाओ, इसमें कोई आपस में कोरिलेशन है? या आपका वेट बढ़ रहा है और आप उसको साथ में लिंक करो कि मेरा दिमाग भी बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ने से दिमाग का कोई कोरिलेशन है? नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई भी चेंज नहीं होगा, पहले की वजह से दूसरे को, दूसरे की वजह से पहले को, तो ऐसे कोरिलेशन को क्या कहा जाएगा? नो कोरिलेशन। अब ऑब्वियस ही बात है हम स्टैटिस्टिक्स में हैं, तो हमें सिर्फ थ्योरी में तो कोरिलेशन पढ़ना नहीं होगा, उसको कैसे मेजर किया जाता है वो हमारा मेन टॉपिक है कि कोरिलेशन को कैसे निकाला जाएगा। तो उसको कहा जाता है मेजर ऑफ कोरिलेशन। तो आप मेजरमेंट, और या कह सकते हैं कि कोई एक फॉर्मूला जो ये रिप्रेजेंट्स करे कि उसका नेचर क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, या उसका मैग्नीट्यूड क्या है, या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके लिए हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं और उसे कहा जाता है मेजर ऑफ कोरिलेशन। तो बच्चों इसको ना समझने के लिए एक बारी मैं आपको एक ग्राफ बनवाता हूं, एक सेकंड बच्चों। चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं ऊपर इनके क्या क्या जो मेथड्स पढ़ने हैं आपने, और ये मेथड्स कहां कहां इस्तेमाल होंगे तो सबसे फर्स्ट वन हम इसको किससे समझेंगे? स्कैटर डायग्राम से। और इसका जो मीनिंग है ये कहां पर काम आएगा स्कैटर डायग्राम? ओनली सिर्फ डायरेक्शन में,
ऑब्वियसली बात है वैल्यू में तो आएगा ही आएगा, लेकिन बेसिक जो सिर्फ ये बताएगा डायरेक्शन के बारे में, तो स्कैटर डायग्राम हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग ओनली डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। सेकंड है जिसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन आना ही आना है, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कहा जाता है, और बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। और ये कहां कहां यूज होता है, हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। अब इन दो चीजों के साथ साथ बच्चों ये कहां का बेस्ट मेथड है, इसको असली में एक बेस्ट मेथड माना जाता है कोरिलेशन का। क्वेश्चन आ जाता है विच इज द बेस्ट मेथड इन हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आपका आंसर होगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। और ये साथ साथ मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी आपका प्रैक्टिकल है वैसे तो, स्पीयरमैन्स रैंक, ये बेसिकली रैंक निकालने के काम आता है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब देखो सारों में स्कैटर डायग्राम को छोड़ के बाकी सारों में डायरेक्शन और स्ट्रेंथ तो आएगी ही आएगी, थोड़ा थोड़ा सब में अलग आ जाएगा। ये जो स्पीयरमैन्स है ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स के लिए होता है, तो आपका क्वेश्चन आता है विच कोरिलेशन कोफिशिएंट इज बेस्ट टू बेस्ट और यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स, तो आपका आंसर होगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। लास्ट है बच्चों आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशंस। ऊपर की लाइन तो बच्चों इसमें भी सेम ही है कि डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, लेकिन ये सिर्फ जो है बेसिकली डायरेक्शन के लिए प्रेफर किया जाता है और मैग्नीट्यूड के लिए नहीं। एंड इट इज ऑल्सो द क्विकेस्ट मेथड। जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्विकेस्ट मेथड क्यों कहा जाता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स, और इसके बाद हम इसको एक बारी ग्राफिकली समझेंगे कि ये जो स्कैटर डायग्राम हमने पढ़ा है टॉपिक, वो एक्चुअली में क्या क्या दर्शाता है। और इसका जो हम डायग्राम है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके एग्जाम में डायग्राम तो बनाने के लिए आएगा नहीं, आपको डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन जो है, मतलब डायग्राम नहीं बना होगा उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरी के रूप में कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, कर लिया बच्चों? चलिए तो पहले हम जो स्कैटर डायग्राम है मैं बच्चों इसके डायग्राम्स आपको एक ही शीट पे अगर आ जाएंगे तो सारे एक साथ बनवा देता हूं, अगर एक ही शीट पे नहीं आते तो मैं देखता हूं कैसे बनाने हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन,
अब जितने भी मैं स्कैटर डायग्राम बच्चों बनाऊंगा, ये सारे के सारे, जैसे मान लो ये मैंने एक ले लिया, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मैंने सेकंड ले लिया, और ये मैंने थर्ड ले लिया। ठीक है बच्चों, अब मैं पहले इसमें तीन बना के दिखा रहा हूं आपको, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो बच्चों, यहां पे मेरी कोई एक टर्म थी, ये वन था, ये टेन था, ये टू था, ये ट्वेंटी था, ये थ्री था, ये थर्टी था। इसका मतलब वन पे टेन हो गया, टू पे ट्वेंटी हो गया, थ्री पे थर्टी हो गया, मतलब ये एक तरह से ऐसे जाएगा। तो मैं अगर इसको ज्वाइन करूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, और ये हमेशा ही इंक्रीज होगा। तो ये जो हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है, इसको बच्चों हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसमें जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है बच्चों, उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें जो आर का आंसर है वो हमेशा किसके इक्वल रहता है, वन के। जब भी हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगा तो उसमें हमारा जो आर का आंसर है वो किसके इक्वल रहेगा बच्चों, वन के इक्वल रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि बढ़ तो रहा है लेकिन पूरा नहीं बढ़ रहा, मतलब ऐसे ऐसे फिर इधर से ऐसे, ये मतलब बढ़ रहा है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा और थोड़े थोड़े गैप पे बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन कौन सा कोरिलेशन है, इसको कहा जाता है लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर मैं इसी में इसको बढ़ाऊं और बहुत पास पास करके कि वो इंक्रीज तो हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन बच्चों ये सिर्फ ग्राफ तक सीमित है, मैं अगर इसको कहूं कि पॉजिटिव कोरिलेशन, तो ये एक्चुअली में है तो सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन, चाहे लो डिग्री है चाहे हाई डिग्री है। तो इन दोनों में जो आर का जो आंसर आएगा वो जीरो से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा, चाहे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो चाहे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है बच्चों, ये तीन तो आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अब इसमें आगे चलते हैं, तीन और कंसीडर करते हैं, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो वैल्यूज थी जो बढ़ रही थी अब वो कम होने लग गई। अब वैल्यूज कम होने लग गई, ये एक्स था हमारा, ये वाई था हमारा। जब वो एकदम से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कम हो रही है, मेरी जो लाइन है थोड़ी सी वैसे आपको सही नहीं लग रही होगी, मैं सही ही बना देता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जब प्रॉपर स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग के लेवल पे बनेगी
तो उसको बच्चों क्या कहा जाता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और जब भी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो हमारा जो आर का आंसर है वो किसके इक्वल होगा, माइनस वन के इक्वल होगा। लेकिन कम तो हो रहा हो, लेकिन कम कैसे हो रहा हो, दूर दूर के गैप में कम हो रहा हो। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, और सिमिलरली कम तो हो रहा हो लेकिन डिस्टेंस बहुत कम हो तो उसको क्या कहा जाएगा, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहां पर भी बच्चों आपको जो मेन चीज है वो क्या ध्यान रखनी है, नेगेटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री लो डिग्री तो जस्ट एक स्कैटर डायग्राम में समझने के लिए है, लेकिन जो इनकी वैल्यूज है वो क्या रहेंगी, माइनस वन से ज्यादा जीरो से, माइनस वन से बड़ी जीरो से छोटी, चाहे वो हाई डिग्री हो चाहे वो लो डिग्री हो। ये तो हो गया बच्चों नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन। अब बच्चों बारी आती है नो कोरिलेशन, उसको नो की जगह हम जीरो कोरिलेशन भी कह सकते हैं, और उसके लिए हम एग्जांपल समझ लेते हैं एक बारी। जब पता ही ना चले कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसे हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं। वैसे अगर मैं समझाना चाहूं तो आपको मैं एक सर्कल बना दूं, आप इसमें क्या सोचेंगे कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये नो कोरिलेशन है। अगर मैं बेल शेप बना दूं, ये घट रहा था अब ये बढ़ रहा है, तो ये नो कोरिलेशन है। अगर मैं ऐसे सर्कल कुछ भी बनाता जाऊं घूमता जाए, तो ये सारे क्या है, नो कोरिलेशन के एग्जाम्पल है। तो ऐसे केसेस में कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसे में जब R का आंसर की बारी आएगी तो R का आंसर क्या लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा। शीट बीच में बच्चों कहीं पे घूमने चली गई है। तो नो कोरिलेशन, और जब भी नो कोरिलेशन होगा तो आर का आंसर हमेशा जीरो लिया जाए। तो ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई। अब बच्चों ये तो था हमारा स्कैटर डायग्राम। अब आते हैं बच्चों हमारे इस चैप्टर का पहला सबसे मेन टॉपिक, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब बच्चों आपका टोटली सारा प्रैक्टिकल का फॉर्मूला वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और वो मैं आज की क्लास में ना करा के, क्योंकि फॉर्मूला अगर मैं आज करा दूंगा और क्वेश्चंस परसों कराऊंगा तो आपको फॉर्मूले लर्न नहीं रहेंगे।
तो फॉर्मूले और जो क्वेश्चंस है मैं परसों ही आपको कराऊंगा डायरेक्ट सारे। तो बच्चों आपने क्या करना है, एक तो अपना आपका सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं और कुछ बच्चों ने अभी भी अपने जो मैंने टेस्ट के बारे में डिटेल डाली थी वो आपने नहीं देखी हुई, तो एक तो बच्चों आपका संडे को चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट है, टोटली सारा स्टडी मटेरियल। अगर उसका कोई भी डाउट हो तो संडे से पहले तक कोई भी डाउट आप मेरे से उससे पहले व्हाट्सएप पे या ग्रुप में किसी भी तरीके से क्लियर कर लें या कॉल कर लीजिएगा मेरे को जब भी आप कंफर्टेबल फील करें। बस इवनिंग में 7 से 8 बजे का टाइम छोड़ के आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, और अगर आप सैटरडे को कॉल करें तो 6:30 से लेकर 9 बजे तक मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, बाकी दिन आप जब मर्जी मुझे कॉल कीजिए मैं कॉल आपकी ले लूंगा। अगर मिस कॉल आएगी मैं भी छूट भी जाती है आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से, तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, मुझे समय लगेगा तो मैं बैक कॉल कर लूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, जितना टॉपिक आज करा उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करा है क्योंकि अब जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट आएगा